बच्चों आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि अंडर रूट 5 क्या एक परिमेय संख्या है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध क्या करना है आपको, अंडर रूट 5 क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे आप, इसको हल करेंगे, आप हल कर रहे हैं। अब हम इसमें मानेंगे, इसको हम मान रहे हैं सबसे पहले सिद्ध करने के लिए, माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। ठीक, अब हम देखते हैं परिमेय संख्या के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। ठीक, परिमेय संख्या के लिए कंडीशन ये होती है कि जो आपका अंडर रूट 5 है ये किसके रूप में होना चाहिए, पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, और क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमारी परिमेय संख्या कंडीशन है। जिनको परिमेय संख्या नहीं आ रहा होगा वो प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे परिमेय संख्या क्या होती है, ये मैंने बता रखा है, एक छोटा सा 2-3 मिनट 4 मिनट का वीडियो है, उसको आप लोग देख लेंगे ज़रूर। ठीक, तो किसी भी संख्या के नीचे आप 1 लिखेंगे कोई इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो p बाई क्यू का रूप तो हमने ये कर लिया कि परिमेय संख्या में p बाई क्यू का रूप होना चाहिए, लेकिन इसमें जो p और q ये कंडीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, p और q सह अभाज्य है। क्या है, सह अभाज्य है, अर्थात कहने का मतलब ये है, आप लिख सकते हैं अतः HCF यानी P और Q का मोशन निकालने पे कितना आना चाहिए बच्चों, 1 आना चाहिए। ये कंडीशन अगर हम ला दे रहे हैं, ठीक ना, ये कंडीशन अगर हम ला देंगे तब तो ये परिमेय संख्या होगा अंडर रूट 5। अगर ये कंडीशन हम नहीं ला पाएंगे तो हमारा अंडर रूट 5 क्या होगा, 1 अपरिमेय संख्या होगा। मुझे यही देखना है, इस कंडीशन को हमको चेक करना है। ठीक ना बच्चों, अब देखेंगे हम आगे इस कंडीशन को चेक कर रहे हैं। आप देखेंगे जिधर मैंने लाया था अंडर रूट 5/1 बराबर पी बाई क्यू, तिर्यक गुणा कर देते हैं, क्या करेंगे बच्चों, तिर्यक गुणा कर देंगे, ये आपका हो जाएगा पी बराबर अंडर रूट 5 क्यू, P बराबर अंडर रूट 5 क्यू आ गया। अब लिखेंगे आगे दोनों तरफ, या पक्ष भी लिख सकते हैं, दोनों पक्षों का भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पे, वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 5 क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, P स्क्वायर बराबर ये जो होगा अंडर रूट 5, समझ लीजिए यहाँ पे अंडर रूट 5 गुड़े अंडर रूट 5, इसका वर्क करना है। तो ये अंडर रूट का मतलब होता है 5^1/2 गुड़े 5^1/2, है ना बच्चों। आप लोग 9th में एक रूल पढ़े होंगे, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n, ये पढ़े होंगे आप लोग, ठीक ना। तो यहाँ पे भी वही रूल काम करेगा, समझ लीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट है 5^1/2 + 1/2, ये 1/2 का मतलब आधा होता है, आधा आधा कितना हो जाएगा 1, 5^1 कितना हो जाएगा 5, ठीक ना बच्चों। अब इसका मतलब जब इसका गुणा करेंगे, मैं करके दिखा दे रहा हूँ ना, तो आप कन्फ्यूज जाएंगे, ये गलत हो गया, अंडर रूट 5 क्यू इंटू अंडर रूट 5 क्यू, इसका इसमें गुणा होगा क्या होगा 5, देखिए यहाँ से, ठीक ना बच्चों, और क्यू का क्यू को गुणा होगा क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक ना बच्चों। अब हम देखेंगे यहाँ पे, आप लोग देखेंगे
इधर ये गुणा कर रहा है, इधर जा क्या करेगा भाग, ये पी स्क्वायर जाएगा, सॉरी इधर गुणा कर रहा है, इधर जा क्या करेगा भाग करेगा। तो इसका मतलब जो पी स्क्वायर है वो पाँच से क्या है डिवाइड हो रहा है, ठीक ना, यानी विभाजित हो जा रहा है। ठीक, तो लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर पाँच से क्या है विभाजित है, क्या है विभाजित है, इसलिए इसलिए पी भी क्या होगा, पी भी पाँच से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों विभाजित होगा, ठीक ना। अब हम देखेंगे, अब मानेंगे हम, यहाँ पे लिख लें हम, अब पी बराबर हम मान रहे हैं फाइव पर, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर वन, इसको क्या मानेंगे इक्वेशन नंबर वन। अब हम देखेंगे P बराबर क्या हो जाएगा, मान रहे हैं हम फाइव आर, अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने बच्चों वर्ग करने पर। चलिए जब दोनों तरफ आप वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर बराबर, पी स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर। अब देखो पी स्क्वायर, जो पी स्क्वायर है का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर यह हो जाएगा 5Q स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर, ये होगा बच्चों, ठीक ना। अब हम देखेंगे ये चीज़, इससे ये आपका हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर, ये इधर जाके भाग देगा तो क्या हो जाएगा 5R स्क्वायर। यहाँ पे भी वही कंडीशन लिखेंगे, चूँकि Q स्क्वायर पाँच से क्या है बच्चों विभाजित है, विभाजित है, इसलिए क्यू भी पाँच से विभाजित होगा, ठीक ना। अब देखेंगे बच्चों, अब यहाँ पे समझिएगा, अब ये समझने वाला बात है। अब देखिए हम समझा लिख रहे हैं, उसके बाद समझा रहे हैं। इसलिए P व Q दोनों पाँच से विभाजित हैं। अब एक चीज़ आप लोग क्लियर करिएगा इसमें, ये बहुत ही आप समझने वाला मैटर है। यहाँ पे देखिएगा P और Q दोनों पाँच से क्या है बच्चों विभाजित है, दोनों पाँच से विभाजित है। तो अब देखेंगे दोनों जब पाँच से विभाजित हो जा रहे हैं तो इनका जो है SCF वह एक नहीं हो रहा है, SCF कितना हो जा रहा है पाँच हो जा रहा है, ठीक ना बच्चों, SCF क्या हो जा रहा है पाँच हो जा रहा है। तब देखेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे अतः अतः HCF P और Q का इज नॉट इक्वल टू कितना हो जा रहा है, सॉरी सॉरी वन, क्या हो रहा है वन, इसका SCF आपका वन नहीं आ रहा है, ठीक ना बच्चों, इसका SCF वन नहीं आ रहा है। इस जब वन SCF नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या वही ना होती है जिसका SCF कितना है वन आए, इसका SCF वन नहीं आ रहा है। अब आप लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास, विरोधाभास प्रकट होती है, अर्थात अंडर रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना बच्चों।
अब इसका देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो, ये भी आपका बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, देख लेते हैं। कह रहा है आपका, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। आप इसको फिर मानेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात परिमेय संख्या का कंडीशन हमेशा लिखेंगे, अर्थात 3 + 2√5 बराबर p/q, और q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। व एच सी ऑफ किसका, p और q का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक ना बच्चों। अब ये इधर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, घटेगा। 2√5 बराबर p/q-3। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको बता दें, थोड़ा आप याद रखिएगा, किसी भी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या मिलेगी, ठीक ना। किसी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या मिलेगी, इसमें परिमेय संख्या से भाग देंगे तभी परिमेय संख्या मिलेगी, परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तब भी परिमेय संख्या मिलेगी, ठीक ना बच्चों। ये बस ऐसे ही मैं बताने के लिए इसको x ले लिया हूँ, ठीक ना। ये x माना एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या घटाएंगे तभी परिमेय संख्या मिलेगी, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे तभी परिमेय संख्या मिलेगी, परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तभी परिमेय संख्या मिलेगी, याद रखिएगा। अब देखिएगा आप लोग, ये दो इधर क्या कर रहा है, गुणा, उधर जाके भाग हो जाएगा। √5 बराबर p/q-3/2, ठीक ना। अब √5 क्या है, इसके बारे में सिद्ध कर चुका हूँ, ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या है, ठीक। अब आप लोग इसको मान लो इक्वेशन नंबर वन, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर वन, ठीक ना बच्चों। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि p/q-3/2 एक क्या है, ये पूरे के बटा होगा, ठीक ना, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है, वह हम जानते हैं, इसके पहले क्वेश्चन हम सिद्ध किए हैं, पाला वाला, वह हम जानते हैं, वह हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। अर्थात √5 जो है, इस √5 p/q-3/2 के बराबर नहीं होगा, यानी √5 इज नॉट इक्वल टू p/q-3/2, ये नहीं होगा। अब बस सीधे लिख दीजिए आप, मिल तो गया। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना बच्चों। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीन। अब क्या देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है आपका, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है, जिसमें से पहला को सिद्ध कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीन का पहला, आप बस
एक सिस्टम से चलते चलेंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा, बहुत टफ नहीं है, ठीक ना बच्चों। और इसमें से देखिए सब एक ही सिस्टम से लगेगा और इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक। मानेंगे इसमें, माना एक बटे अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी कि एक बटे अंडर रूट दो पी अपान क्यू के रूप में होना चाहिए अगर परिमेय संख्या है तो। अगर ये नहीं कंडीशन मिलेगा तो हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए बच्चों, पी और क्यू का वन आना चाहिए, ठीक। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे, यहीं पे आपका मिल जाएगा, यहीं पे आपका विरोधाभास शुरू हो जाएगा, वहीं से आप सिद्ध हो जाएगा। देखो ना आप लोग, इसको लिखेंगे आप लोग पलटने पे, पलटने पर, ठीक ना। अब ये इसको पलट दो, अंडर टू क्यू अपान पी। देखो अगर हम कह दें थ्री है, ठीक ना, थ्री को अगर उल्टा कर दें एक बटे तीन, ये बराबर नहीं होगा। एक बटे तीन क्या एक परिमेय संख्या नहीं है, मिलेगा, उल्टा करोगे तभी परिमेय संख्या मिलेगा, ठीक। इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक। कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, दोनों तरफ उल्टा किया, ठीक। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये उल्टा करने के बावजूद ये हमारा एक परिमेय संख्या है, ठीक। और ये अंडर रूट क्या है, अपरिमेय संख्या है। कि ये याद रख लीजिए आप लोग कि जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उसका जब अंडर रूट आप कर देंगे तो एक हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक। अब हम देखेंगे इसमें बच्चों, लिखेंगे चूंकि क्यू अपान पी एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः अंडर रूट टू इज नॉट इक्वल टू क्यू अपान पी। अर्थात देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, आसान हो जाएगा। अर्थात एक बटे अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसी का दूसरा देख लें हम लोग, तीसरा का दूसरा आपका है सात अंडर रूट फाइव, ठीक ना। अब आप इसमें मानेंगे, माना सात अंडर रूट फाइव एक परिमेय संख्या है। एक ही सिद्धांत पर देखो चलना है इसमें, ये कुछ नहीं है। और बोर्ड एग्जाम में बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आता जरूर है क्वेश्चन इससे, बोर्ड एग्जाम में एक नया क्वेश्चन जरूर देगा इससे, ठीक। माना सात अंडर रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो सात अंडर रूट फाइव बराबर पी अपान क्यू होना चाहिए, ठीक ना, ये इसका रूप होना चाहिए। और क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, पी और क्यू का वन आना चाहिए, ठीक ना बच्चों। अब यहाँ पे हम देखेंगे, आपका तुरंत ही मिल जाएगा जो आप खोज रहे हो, ठीक। ये चीज़ देखो आप लोग, ये आपका गुणा कर रहा है इधर आके, सॉरी ये गुणा इधर आके भाग होगा, अंडर रूट फाइव बराबर पी अपान क्यू इंटू सेवन। अब देखिए ये एक हमारा परिमेय संख्या है, देखो पी अपान क्यू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में किसी से गुणा करें, किसी संख्या से भी गुणा करें, किसी परिमेय संख्या से गुणा करें तो परिमेय संख्या ही हमसे मिलती है, हमको मिलती है, ठीक ना। अंडर रूट फाइव क्या है आपका, अपरिमेय है, अपरिमेय परिमेय के बराबर हो नहीं सकता है, यहीं पे आपका विरोध हो गया, ठीक। हम लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, हम लिखेंगे चूंकि पी अपान क्यू इंटू सेवन
एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं, इस हिसाब से आप लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में, तथा हम जानते हैं कि अंडर रूट टू, अंडर रूट फाइव होगा जी, अंडर रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो आप लिखेंगे अर्थात, अर्थात सेवन अंडर रूट फाइव एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब बच्चों इसी प्रकार से आप लोग ये तीसरा क्वेश्चन घर से कर करेंगे, अगर आप बोलेंगे कमेंट में तो मैं इसमें ये कर दूंगा, लेकिन इसको मैं लगा ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। है कुछ नहीं, सिक्स प्लस अंडर रूट टू, इसको आपको सिद्ध करना है कि एक हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना बच्चों। थोड़ा जल्दी जल्दी कर देना, जो वीडियो बड़ी हो जाएगी बच्चों। हम मान लेंगे, माना सिक्स प्लस अंडर रूट क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका कंडीशन क्या होता है, सिक्स प्लस अंडर रूट टू बराबर क्या होना चाहिए आपका, पी अपान क्यू, और क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो। वह इसका एस सी एफ क्या होता है, P और Q का एस सी एफ कितना होना चाहिए, वन, ठीक। अब देखिए यहीं भी मैं विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा इसका, सिक्स प्लस अंडर टू अपान वन होता है, P अपान Q होगा, ये आपका क्या हो रहा है बच्चों, जुड़ रहा है, उधर जा क्या होगा, घटेगा, अंडर टू बराबर क्या हो जाएगा, P अपान Q माइनस सिक्स, ये हमारा एक परिमेय संख्या मिल गया, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक ना बच्चों। अब लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, अब आप लिखेंगे चूंकि पी अपान क्यू माइनस सिक्स एक क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है, ठीक, तथा हम जानते हैं, तथा हम जानते हैं कि अंडर टू एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अर्थात बस आपका विरोध उत्पन्न हो गया, दोनों बराबर ही नहीं, परिमेय मिलेगा ही नहीं, अपरिमेय होगा, अर्थात सिक्स प्लस अंडर टू एक अपरिमेय संख्या है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों थोड़ा सा इस चैप्टर में आपको प्रैक्टिस करने का काम है, जो भी इस चैप्टर है इसमें प्रैक्टिस करने का काम है, एक बार दो बार क्वेश्चन लगाओ, तीन बार देखो, उतना ही आपको आसान होगा, ठीक ना। एक एक स्टेप है बस, उसी स्टेप पे चलना है पूरे प्रश्नावली में, ठीक ना बच्चों। ठीक है बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, धन्यवाद बच्चों।